आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है, मान लीजिए कि स्टार जो है अपने आप में एक बाइनरी ऑपरेशन है और ये स्टार सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर पर अप्लाई हो रहा है। सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर कहने का मतलब कि सारे रैशनल नंबर जो जीरो नहीं है। और इस स्टार बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन जो है वो है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन फाइव। ये हमारे इस स्टार बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन है। यहां पर बोला गया है कि आप इसका आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करिए और इनवर्स एलिमेंट फाइंड आउट करिए। स्टार जो है हमारे लिए द्विआधारी संक्रिया है और ये द्विआधारी संक्रिया सभी परिमेय संख्याओं के समुच्चय जो कि अशून्य है, अशून्य परिमेय संख्याओं के समुच्चय पर अप्लाई हो रहा है और ये इस तरह से परिभाषित है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन फाइव है। हमें बोला गया है कि इस बाइनरी के लिए, इस द्विआधारी संक्रिया के लिए आप इसका प्रति, आप इसका तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जब हम इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, स्टार जो है अपने आप में एक बाइनरी है। स्टार अगर एक बाइनरी है तो इसका डेफिनेशन होगा, डेफिनेशन हमारे पास ये है। तो हम ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन फाइव लेते हैं। ये कहां से आया, ये हमारे पास गिवन है, ये हमें दिया हुआ है। हमें पहले आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो हम लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, माना ई तत्समक अवयव है। हमने ई को आइडेंटिटी एलिमेंट, ई को तत्समक अवयव लेट कर लिया। ई को आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव लेट करने के बाद हमें आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ई है और आप कोई और एलिमेंट ए लेते हैं तो ए का ई के साथ या ई का ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर आपका फाइनल आंसर ए ही आना चाहिए। यही था आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन। तो यहां पर लेट ए बिलोंग्स टू क्यू माइनस जीरो, हमने ए एक एलिमेंट ले लिया, ये एलिमेंट जो है हमने क्यू माइनस जीरो के सेट से लिया। ई को हमने पहले ही उसका आइडेंटिटी एलिमेंट बताया हुआ है, तब अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के अनुसार जो हमारा रूल है उस रूल के अनुसार ए का अगर हम ई के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो ऐसा करने से हमें ए ही वापस मिलता है। जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन होता है वो यही है कि ए का अगर आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाया गया तो हमें फाइनल आंसर वही ए मिलता है। तो यहां पर ए का हमने ई के साथ बाइनरी लगाया तो हमारा फाइनल आंसर ए मिल रहा है, क्योंकि ई जो है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर अगर आप इस रूल को अप्लाई करें तो इस रूल के अकॉर्डिंगली जो ये डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये हमारा क्या बनेगा, ए इंटू ई अपॉन फाइव। ए स्टार ई जो है इस रूल के अकॉर्डिंगली इस तरह से डिफाइंड है। तो यहां पर B की जगह पर हमारे पास E है, B की जगह पर अगर E है तो यहां पर भी B की जगह पर हमने E लिख दिया, तो इसका डेफिनेशन आ गया ए ई अपॉन का फाइव और ये A के इक्वल है। इस फाइव को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ए ई इज इक्वल टू फाइव आ जाएगा। ए इज इक्वल टू फाइव ए रहेगा, दोनों साइड से A और A कैंसिल हो जाएगा, ए और ए कैंसिल होने के बाद ई इज इक्वल टू फाइव आ गया। ई इज इक्वल टू अगर फाइव आ गया तो देखिए आपका ई क्या था, ई जो था आपका आइडेंटिटी एलिमेंट था। तो हम यहां पर लिखेंगे हेंस द
आइडेंटिटी एलिमेंट इज 5, अतः तत्समक अवयव 5 है। इसका हमने आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल लिया। आइडेंटिटी एलिमेंट हमें कौन मिल गया? आइडेंटिटी एलिमेंट हमें 5 मिल गया। आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाने के बाद हम बात करते हैं इनवर्स एलिमेंट की। एलिमेंट मिल जाने के बाद हम बात करते हैं इनवर्स एलिमेंट की, प्रतिलोम अवयव की। प्रतिलोम अवयव के लिए क्या कंडीशन था? प्रतिलोम अवयव के लिए कंडीशन ये था कि किसी भी एलिमेंट का इनवर्स निकालने के लिए अगर उस एलिमेंट और उसके इनवर्स के बीच में हमने ये बाइनरी लगाया तो फाइनल आंसर हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। यहां पर मान लीजिए ए जो है एक एलिमेंट है और ये एलिमेंट जो है बिलोंग कर रहा है Q-0 पर। ए जो है एक एलिमेंट है और ये एलिमेंट हमने किस सेट से बिलोंग करवाते हुए लिया? Q-0 पर। आपका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा निकला है इसी बाइनरी के लिए? इसी बाइनरी के लिए, इसी क्वेश्चन में अभी अभी आपने निकाला था कि आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 5 है, तो आप यहां पर लिखने वाले हैं 5 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। 5 जो है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब आपको इसका इनवर्स एलिमेंट निकालना है। आपको अगर इसका इनवर्स एलिमेंट निकालना है तो लेट करिए, लेट बी इज इनवर्स एलिमेंट। बी जो है आपका इनवर्स एलिमेंट है। अब डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन ये कहता है कि आपने जो एलिमेंट लिया और जो उसका इनवर्स है, जो एलिमेंट आपने लिया और इस एलिमेंट का जो इनवर्स निकलेगा, उन दोनों के ऊपर अगर बाइनरी अप्लाई किया जाए तो वो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में आता है। यानी आपने एलिमेंट लिया था ए, उसका इनवर्स जो है वो है बी। आपने पहले एलिमेंट लिया ए और इस एलिमेंट ए का इनवर्स एलिमेंट बी है। इन दोनों एलिमेंट्स के ऊपर जब आप बाइनरी अप्लाई करेंगे तो यहां पर फाइनल आंसर ई का आना चाहिए। यही था इनवर्स एलिमेंट का डेफिनेशन। हमें इस बी को निकालना है क्योंकि बी को हमने इनवर्स एलिमेंट बोला है। अब ए स्टार बी का डेफिनेशन देखिए आपका क्या था। ए स्टार बी का डेफिनेशन था ए बी अपॉन 5। तो यहां पर इसको जब डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आप रखेंगे तो ये आएगा आपका ए बी अपॉन 5। और ई जो था ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू तो हमें पहले से पता है 5। इस 5 को जब आप इधर शिफ्ट करिएगा तो ए बी इज इक्वल टू 25 आएगा। ये यहां से बी की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये आएगा 25 अपॉन ए। बी क्या था? बी हमारा इनवर्स एलिमेंट था। किसका इनवर्स एलिमेंट? ए का। तो हम ये कहेंगे फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू Q-0, आप ए की जगह पर कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, ए की जगह पर आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, लेकिन इस बाइनरी के लिए आपका 5 ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब ए की जगह पर आपने अगर कोई भी दूसरा एलिमेंट लिया रहता, मान लीजिए कि बी जो है उसका इनवर्स होता, तो यहां पर वही रूल चल देगा। इनवर्स निकालने के लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस एलिमेंट का इनवर्स निकाला जा रहा है, एलिमेंट और ये उसका इनवर्स, हम यहां पर ए का इनवर्स निकाल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि बी जो है उसका इनवर्स है। बी किसका इनवर्स है? बी ए का इनवर्स है। तो इन दोनों के ऊपर जो बाइनरी लगाया जाएगा तो इसका फाइनल आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में मिलेगा। तो यहां पर फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू Q-0 25 अपॉन ए इज इट्स इनवर्स एलिमेंट। प्रत्येक ए जो कि हमारा सेट Q-0 को बिलोंग कर रहा है, प्रत्येक अवयव ए का प्रतिलोम अवयव 25 अपॉन ए होगा।